वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, इसके जो प्रीवियस पार्ट जो था, प्रीवियस वीडियो जो था, उसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर मास जो है उसके बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए आयोनिक कंपाउंड। मतलब जो फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है, सबसे पहली बात, किसी भी जो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम कि मतलब इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसके क्या करेंगे, एटॉमिक मास का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और सम करने पे जो टोटल मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। ओके, अभी इससे पहले हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, और फिर हमने निकाला अभी इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर निकालते हैं, और जिसके अंदर होते हैं जो मतलब फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो हम किसके अंदर निकालते हैं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर निकालते हैं। ओके, अब दोनों को मतलब जो मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको और ये जो फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, दोनों के कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सेम ही होता है। उन दोनों मेथड के अंदर क्या करता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स को उस एटम के क्या करते हैं, एटॉमिक मास से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करते हैं, सारे एटम्स का जो मास आ जाता है इससे, फिर उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड करके जो भी मास आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, या तो कोई आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसमें हम फॉर्मूला यूनिट मास बोल देंगे, या फिर कोई मतलब कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसके अंदर बोल देंगे हम मॉलिक्यूलर मास। ओके, फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। मतलब यही बताया है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो उन्हीं कंपाउंड के अंदर, मतलब सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना उन्हीं के अंदर क्या होता है, अप्लाई कर सकते हैं, उसी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंडीशन है उसकी, कि जो फॉर्मूला यूनिट मास की कंडीशन है कि मतलब वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए ही अप्लाई होता है। और जब हम आयोनिक कंपाउंड लेंगे तो नेचुरल उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे उस कंपाउंड के, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, आयंस होंगे। ओके, इसको हम इससे समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है। ओके, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब भी Na और Cl जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब Na जो होगा मतलब Na से क्या बनेंगे, पहले सोडियम कैटायन बनेगा, Cl से क्या बनेगा, क्लोराइड एनायन बनेगा। फिर ये जो सोडियम कैटायंस जो होते हैं और ये जो क्लोराइड एनायंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मतलब कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मतलब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, और ये जो आयोनिक कंपाउंड बना ये हुआ NaCl। मतलब कुल मिला के जो आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कैटायन और एनायन से होता है। यहाँ पे हमने आयोनिक NaCl लिया, मतलब इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन से हुआ है। ओके, अब हमें तो क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, वो भी किसका निकालना है, NaCl का निकालना है। तो मेथड जो है वो मॉलिक्यूलर मास जैसा सेम ही है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सबको पहले यहाँ पे सोडियम है तो इसका एटॉमिक मास लिख देना है, वो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, और मॉलिक्यूलर मास की जैसे ही जो फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, यू होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। जब भी आप न्यूमेरिकल्स लिखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद में यूनिट जो होती है, चाहे मैक्स हो चाहे साइंस हो, उसके अंदर आपको मेंशन करनी पड़ती है, उसका एक मार्क्स होता है उसके अंदर। ओके, अब आपको क्या है कि मैंने ये बताया कि चाहे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या फिर फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, तो दोनों का जो मेथड जो होता है वो एकदम सेम होता है। उन दोनों मेथड के अंदर हमें एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है वो पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का होगा 40। ओके, तो ये एटॉमिक मास जब आपको पता होंगे ना, तभी आप मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि जो फॉर्मूला यूनिट मास जो होते हैं वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसी के ऊपर क्या होता है, उन्हीं के अंदर हम फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लेते हैं। तो आपको कुछ कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है और सोडियम क्लोराइड है। ये तीनों क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कैल्शियम कैटायन और ऑक्सीजन एनायन से हुआ है,
इसी तरीके से जो मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन मैग्नीशियम कैटायन और सल्फर एनायन से हुआ है। सोडियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, क्यों है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन से हुआ है। ओके, तो इस तरीके से जो जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आयन्स कैटायन और एनायन से होता है उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, आयोनिक कंपाउंड के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको इस मतलब आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल 3.2 दिया गया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2 का मतलब होता है कैल्शियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूले का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो मैंने क्या बताया कि आपको कोई सा फॉर्मूला यूनिट मास निकालो चाहे मॉलिकुलर मास निकालो, दोनों का जो मेथड जो होता है वो सेम ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है ओके उनको क्या करते हैं मतलब उसके एटॉमिक मास को उसके एटम के नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर एंड मतलब जो रिजल्ट आता है उसका टोटल कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सी ए मतलब कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर यहाँ पे Cl2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया तो 2 लिख देंगे और और किसका एटॉमिक मास लिखेंगे, मतलब Cl का लिखेंगे, मतलब Cl का एटॉमिक मास लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है और ये जो Cl का जो एटॉमिक मास आपने निकाला टोटल, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40, फिर आपको क्लोराइड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और उसका 35.5 होता है क्लोरीन का, तो हम क्या करेंगे फिर मतलब जो दोनों के जो एटॉमिक मास आएंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे 40 और फिर 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 और जो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 111 हो जाएगा और इसका जो यूनिट होता है वो यू होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है और जो फॉर्मूला यूनिट मास जो है उसका मेथड सेम होता है, उसके अंदर जो मतलब हर एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको नंबर ऑफ एटम से ऐड कर देते हैं, फिर फाइनली जितने भी मतलब एलिमेंट जो होते हैं जितने भी एटम होते हैं उनके फाइनल एटॉमिक मास जो हमें मिलते हैं उसको हम क्या करके टोटल करके फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालते हैं। अब हम दोनों आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फॉर्मूला यूनिट मास और जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम पहला डिफरेंस देख लेते हैं कि इट इज यूज फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, मतलब ये बताया कि मैंने ये बता दी आपको चीज कि जो फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो उन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर या कंपाउंड के अंदर अप्लाई किया जाता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई किया जाता है। क्लियर। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज यूज फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो उन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर या उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर अप्लाई किया जाता है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब मतलब जिसके अंदर क्या मतलब कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जो होते हैं ना कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही अप्लाई होता है। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो दो एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो कंप्लीट होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं कि जब दो एलिमेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वो शेयरिंग करके क्या करते हैं, कंपाउंड बनते हैं, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला एलिमेंट का भी इसके ऊपर उतना ही होता है और इस वाले एलिमेंट का भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो होता है वो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरा पूरा मतलब उसके ऊपर उनका अधिकार होता है। ओके, अब जो दूसरा डिफरेंसेस है कि जो फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंपाउंड, मतलब जो फॉर्मूला मास जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सम के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितने होंगे सिर्फ उन्हीं का ही, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है रिमेन्स द सेम इवन इफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एडेड, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मतलब सेम ही रहेगा किसी भी कंपाउंड का, चाहे उसके अंदर कितने भी आप और मॉलिक्यूल्स जो है मतलब उसके अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें तो भी उसका मतलब मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर। अब इसके अंदर ये है कि इसको आपने एग्जांपल के हिसाब से समझना है कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या था, जैसे मैंने बताया कि आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड किसकी कैटेगरी में आता है, आयोनिक कंपाउंड में आता है, तो आप क्या करेंगे इनका जो एटॉमिक मास जो होता है सोडियम और क्लोरीन का इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा,
और इसका यूनिट जो होता है वो AMU हो सकता है, या फिर या इसको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं. ओके, अब जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है. ओके, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कार्बन कितना है 1 और कार्बन का एटॉमिक मास दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. फिर इसी तरीके से जो ऑक्सीजन का नंबर है 2, और फिर इसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है उसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर कार्बन का जो रिजल्ट आया हमारे पास 12 आया, और जो ऑक्सीजन का जो रिजल्ट आया 32, उसको हम क्या करेंगे दोनों को मतलब ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा. क्लियर?